नमस्कार दोस्तों, आज सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं दो रंग का ये खूबसूरत सा डिजाइन लाई हूँ, जिसे आप किसी भी लेडीज प्रोजेक्ट में या बच्चों के प्रोजेक्ट में डालेंगे, ये बहुत ही अच्छा रहेगा। इसे बनाने के लिए हमें 6 के मल्टीपल फंदे चाहिए। देखिए, ऐसे 6-6 फंदे गिने तो लास्ट में 3 फंदा बचना चाहिए, तो ये डिजाइन अच्छी तरह सेट हो जाएगा। 6 के मल्टीपल और 3 फंदा एक्स्ट्रा। डिजाइन बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। वीडियो और डिजाइन अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। तो मैं डिजाइन इसी के ऊपर बना रही हूँ, जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। आप इसे पहली लाइन समझो। तो पहली लाइन में हम सभी फंदों को अपने प्राइमरी कलर के ऊन से सीधा बुन लेंगे। अब यदि हमें अपने प्रोजेक्ट में फंदे बढ़ाने हो तो हम इस लाइन में फंदे बढ़ा सकते हैं। पहली लाइन में हम अपने प्राइमरी कलर के ऊन से सभी फंदों को सीधा बुनेंगे। तो हमने सभी फंदों को सीधा बुन लिया। अब हम रॉन्ग साइड में आ जाते हैं और ये डिजाइन का दूसरा लाइन है, तो हम सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे। पहली लाइन में हमने सभी फंदों को सीधा बुना और दूसरी लाइन में हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। तीसरी लाइन में हम अपने दूसरे कलर के ऊन को अटैच कर लेंगे और 3 फंदा हम सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए सीधा बुनेंगे। 2 बार ऊन लपेटा, सीधा बुन लिया, 2 बार ऊन लपेटा और सीधा बुन लिया, और 3 फंदों को हम बिना बुने स्लिप कर लेंगे। फिर अगले 3 फंदे को हम सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए सीधा बुनेंगे। 2 बार ऊन लपेटा, सीधा बुन लिया, 2 बार ऊन लपेटा और सीधा बुन लिया। अब 3 फंदों को हमें स्लिप करना है, तो स्लिप करने के लिए हम ऐसे पर्ल वाइज सिलाई डालेंगे और फंदे को सरका लेंगे। तो 3 फंदे को हमने बिना बुने सरका लिया। अगले 3 फंदे को हम सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए सीधा बुनेंगे। ये 3 फंदे को हम बिना बुने सरका लेंगे। अगले 3 फंदे को हम सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए सीधा बुनेंगे। तो इन्हीं 6 फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। 3 फंदे को हमें सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए सीधा बुनना है और 3 फंदे को बुना बुने स्लिप कर लेना है। लास्ट में 3 फंदे बचेंगे, जिन्हें हम सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए सीधा बुन लेंगे। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और ये हमारे डिजाइन का चौथा लाइन है। तो चौथे लाइन में हम इन लपेटे हुए फंदों को खोलेंगे, 3 फंदों को बाएं सिलाई में लेंगे और एक साथ लेते हुए एक बार उल्टा बुनेंगे। अभी हमें इन फंदों को गिराना नहीं है, उनको सिलाई में चढ़ाकर वापस अपनी तरफ लाएंगे और फिर इन्हीं 3 फंदों में एक बार और बुनेंगे। तो 3 से हमने 3 फंदे बना लिए। अब स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेंगे। स्लिप करने के लिए ऐसे हम पर्ल वाइज सिलाई डालेंगे और फंदों को स्लिप कर लेंगे। अब लपेटे हुए 3 फंदों को खोलेंगे, 3 फंदों को बाएं सिलाई में ले लेंगे, एक बार उल्टा बुनेंगे, फिर ऊन चढ़ाकर वापस अपनी तरफ लाएंगे और फिर इन्हीं 3 फंदों में एक बार और उल्टा। तो इन्हीं 6 फंदों को हमें सिलाई में दोहराना है। 3 फंदों को खोलना है, 3 से 3 फंदे बनाने हैं और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करना है। 3 फंदों को लपेटे हुए 3 फंदों को खोलना है, 3 को एक साथ लेते हुए एक बार उल्टा, फिर ऊन चढ़ा के लाएंगे, ये दूसरा फंदा हो गया, फिर उल्टा। तो 3 से 3 फंदे बनाने हैं और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करना है। तो इन्हीं 6 फंदों को दोहराते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे।
लास्ट में तीन लपेटे हुए फंदे बचेंगे, तो इन्हें हम खोलेंगे और तीन से तीन उल्टा बुनते हुए तीन से तीन फंदे बना लेंगे। एक लपेटा, फिर उल्टा बुन लिया, तो तीन से तीन फंदे हो गए। पांचवी लाइन में हम अपने प्राइमरी कलर से पहले उनसे सभी फंदों को सीधा बुनेंगे। पांचवी लाइन में हम अपने सभी फंदों को पहले कलर के ऊन से सीधा बुन लेंगे। तो हमने सभी फंदों को सीधा बुन लिया। रॉन्ग साइड से हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। ये डिजाइन का सातवां लाइन है और सामने से, तो इस लाइन में हम अपने दूसरे कलर के ऊन से बुनेंगे ये तीन फंदे जिसमें हमने पिछली बार डिजाइन बनाया था। तो अब की इन तीन फंदों को हमें स्लिप करना है। और देखिए यहाँ पे जहाँ हमने डिजाइन नहीं बनाया था, अब की हमें यही डिजाइन बनाना है। तो इन तीन फंदों को सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए सीधा बुनना है। अब यहाँ पे हमने डिजाइन बनाया था, तो इन तीन फंदों को हमें ऐसे पर्ल वाइज सिलाई डाल के स्लिप कर लेना है। और देखिए ये जगह जो खाली है, यहाँ पे अब की हमें डिजाइन बनाना है, तो तीन बार सिलाई में ऊन लपेटते हुए हमें इन तीन फंदों को सीधा बुन लेना है। दो बार ऊन लपेटा और सीधा बुन लिया। अब यहाँ डिजाइन बना है, तो इन तीन फंदों को हमें स्लिप कर लेना है। देखिए ये जगह खाली है, तो यहीं पे हमें डिजाइन बनाना है और इन तीन फंदों को सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए सीधा बुनना है। तीन फंदा स्लिप करना है और तीन फंदे को सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए सीधा बुनना है। लास्ट में तीन फंदे बचे हैं, चूंकि यहाँ पे हमने डिजाइन बनाया है, तो इसे हम स्लिप कर लेंगे और रॉन्ग साइड से स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेंगे और लपेटे हुए फंदे को खोलेंगे और तीनों को एक साथ लेते हुए पहले उल्टा बुनेंगे, फिर ऊन सिलाई में चढ़ाकर वापस अपनी तरफ लाएंगे और फिर इन्हें तीनों में उल्टा। तो तीन से हमने तीन फंदे बना लिए और स्लिप किए हुए फंदे को वापस स्लिप कर लेंगे, लपेटे हुए फंदे को खोलेंगे, तीनों को एक साथ लेते हुए पहले उल्टा, फिर ऊन सिलाई में चढ़ाकर वापस अपनी तरफ लाएंगे, फिर उल्टा। तो तीन से हमने तीन फंदे बना लिए और स्लिप किए हुए फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, लपेटे हुए फंदे को खोलेंगे, तीनों को एक साथ लेते हुए पहले उल्टा बुनेंगे, ऊन सिलाई में चढ़ा कर लाएंगे, फिर उल्टा। तीन से हमने तीन फंदे बना लिए, स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे और तीन फंदों से वापस तीन फंदे उल्टा बुनते हुए बनाना है। डिज़ाइन बेहद आसान है और बहुत जल्दी बन के तैयार होता है और बिगनर्स भी इसे आसानी से बना सकते हैं और बनने के बाद ये बेहद खूबसूरत लगता है। देखिए बनाने में आसान और एक खूबसूरत पैटर्न, सामने से देखिए ये ऐसा लग रहा है और पीछे से ऐसा। डिज़ाइन बेहद आसान है और बेहद खूबसूरत। तो फ्रेंड्स डिज़ाइन आपके सामने है, आशा है आपको पसंद आया होगा। तो यदि आपको मेरा ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।